चलिए तो नमस्कार है, स्वागत है आपका फिर से एक बार। विच पेयर ऑफ द एलिमेंट कैन फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद ऑक्सीजन? अब फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड खुद के साथ बना नहीं सकता, खत्म हो गया। क्लोरीन भी नहीं बना सकता। नाइट्रोजन तो बना सकता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, लेकिन पी ट्रिपल बॉन्ड पी नहीं पॉसिबल होता है। फॉस्फोरस जो है पी फोर के रूप में एग्जिस्ट करता है, क्लियर है? तो ये भी गलत हो गया। हाँ, पी टू क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो थर्ड वाले का थर्ड वाले के साथ होता है, ठीक है ना? थ्री पी पाई, थ्री डी पाई, तो ये जो पाई बॉन्ड बनते हैं ये वीक पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना? इसलिए पी टू एग्जिस्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आपको पता है कि खुद के साथ बना सकता है, कार्बन भी खुद के साथ बना सकता है। नाइट्रोजन की बात रही, ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता ही है HNO2 में, ठीक है ना? HNO2, HNO3 और कार्बन तो खैर बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, CO2। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोवेलेंट कंपाउंड? देखिए, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का फ्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम का कार्बाइड और एल्युमिनियम अगर पॉली एटॉमिक एनायन के साथ हो तो ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड होते, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड में, एल्युमिनियम फ्लोराइड में है, एल्युमिनियम देखिए सल्फेट आयन जो है यहाँ पर पॉली एटॉमिक आयन है, तो ये भी, तो ये सब के सब आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट पूछा है तो कोवेलेंट हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना? AlCl3। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सुपर ऑक्टेट? सुपर ऑक्टेट इसको बोलते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, समझ में आ रहा है क्या? ClF3। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीन बॉन्ड बना लिया तो इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं बॉन्डेड एटम में? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और 5 बॉन्ड बनाए हुए तो 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर से ये सुपर ऑक्टेट हो गया। IF7 तो आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना लिया 7 तो 14 हो गया, तो ये भी सुपर ऑक्टेट है। तो बच्चों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल? OF4। क्यों? देखिए ऑक्सीजन है सेकेंड पीरियड का आइटम, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है 6, बॉन्ड कितना बनाया बताइए 4, 6+4 10 हो गया। सेकेंड पीरियड का एटम कभी भी आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता, समझ गए बात को? 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसीलिए OF4 पॉसिबल नहीं होगा, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 50 फॉस्फेट ऑफ मेटल, देखिए H3PO4 जब ये आयनाइज होता है फॉस्फेट आयन बनाता है तो यहाँ पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर यही यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दोगे H2PO4 कर दोगे तो फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से हट करके कितना हो जाएगा बताइए -1 हो जाएगा। जैसे देखिए इसको ऐसे समझ, ये इसका स्ट्रक्चर है। जब तीनों हाइड्रोजन हटते हैं ना यहाँ से तो 3 आयन बनता है तो -3 आ जाता है। अब इस वाले में देखिए यहाँ पर HPO4 है, यानी कि एक जगह तो हाइड्रोजन रहना है, बाकी 2 से हाइड्रोजन हटा देंगे, यानी कि HPO4 को जब हम आयोनाइज करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, समझ में आ रहा है क्या? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हुआ तो इस मेटल का +2 हुआ, तभी ये ओवरऑल न्यूट्रल है। तो ओवरऑल यहाँ पर पता लग गया कि M का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और क्लोरीन का -1 होता है, और आपको पता है दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, तो हम
इसको इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, तो MCl2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। जैसे ए का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एक्स हो, बी का माइनस वाई हो, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए वाई हो जाएगा और बी एक्स हो जाएगा। इस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है बच्चों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में, द कंपाउंड दैट हैज द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर एसोसिएटेड विद एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड में हाईएस्ट आयनिक, तो हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइजेशन होना चाहिए, बॉन्ड पोलर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो तभी हो सकता है जब सील मतलब जब एटम जैसे कार्बन और क्लोरीन है, इनके बीच में ईएन डिफरेंस, बोरोन और क्लोरीन इनके बीच में ईएन डिफरेंस, सबके बीच में ईएन डिफरेंस देखना चाहिए, जिसमें ईएन डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो उसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा एक्सियल बॉन्ड में, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, सबका ईएन जैसे फॉस्फोरस हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, सबका ईएन पता होना चाहिए, क्लोरीन का ईएन पता होना चाहिए, और सबके ईएन डिफरेंस को देख लीजिए, जिसमें ईएन डिफरेंस ज़्यादा है उस एक्सियल बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।